दुनिया में जब किसी भी इंसान के दिल की धड़कन थम जाती है और इसकी जिंदगी अपने को पहुंचती है तो आस्ता आस्ता जिसम के अंदर काम करने वाले सारे निज़ाम भी बंद हो जाते हैं और उनके तमाम कुदरती अमल थम जाते हैं ये एक तस्वुर या सोच थी जो आज से पहले तमाम साइंसदानों के जहन में रही मगर अब एक नई तहकीक में इनकशाफ हुआ है कि कम अज कम एक किस्म के खुलियात इंसान के मरने के बाद भी ना सिर्फ जिंदा रहते हैं बल्कि मौत के कई घंटों बाद इनमें जीनियाती सरगर्मियां पहले की ज्यादा हो जाती हैं और बहुत तेजी से इनकी नशो नुमा होने लगती है जनरल साइंटिफिक में शाया तहकीक में टिश्यूज का जायजा मौत के कई घंटों बाद लिया गया और ये जानने की कोशिश की गई की मौत के बाद दरअसल होता क्या है माहरीन ने टिश्यूज के ये नमूने मामूल की सर्जरी के दौरान इकट्ठे किए थे अपने नए तजर्बे के दौरान उन्होंने गुलेल नामी खुलियात में जीन्स की सरगर्मी में हैरान कन इजाफे को दरिया किया है ये खुलियात असाबी निज़ाम का हिस्सा होते हैं मगर ये बरकी सिग्नल भेजने या मौसू करने का काम नहीं करते ये दमागी खुलियात को सपोर्ट फराहम करने को आपस में जोड़े रखने और उनके काम में मदद फराहम करने का काम ही करते हैं ताज़ा तरीन तहकीक में मौत का मसनू माहौल पैदा किया गया तो इन खलियात की जीनियाती सरगर्मियों में इजाफा शुरू हो गया और इनका हजम इतना बढ़ा के लम्बे लम्बे बाजू बन गए मौत के बारह घंटे बाद जीन्स की सरगर्मियां अपने पर पहुंच गई थी जबकि दिग्गर सरगर्मियां जैसे यादाश्त और सोचने जैसी मौत के फौरी बाद मान पड़ गई थी और कई सरगर्मियां तो 24 घंटे तक कुछ ज्यादा तब्दील हुए बगैर मुस्तकम भी रही। का कहना है की ये खुलियात किसी दमागी बीमारी और चोट के बाद सफाई का काम भी करते हैं और यही वजह थी कि उन्हें तो थी कि ये जीन्स मरने के बाद भी मुतहरक होंगे और जो नशो इन खुलियात में देखने में आ

कौन से ऐसे अवामिल हैं जो आज तक सामने नहीं आ सके हैं